मुल्क लूटकर बाहर जाओ, एनआरओ लेकर वापस आओ, फिर लूटो फिर बाहर भाग जाओ। अब ऐसा नहीं चलेगा। बड़े चोरों को एनआरओ दिया तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान का कराची में वकला से खिताब। वकला को भी हकीकी आज़ादी की तहरीक में शिरकत की दावत दी। कहा वक्त आ गया हकीकी आज़ादी के लिए वकला खड़े हों। उम्मीद है कि पूरे मुल्क के वकील मेरे साथ चलेंगे। कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई तो मुल्क का मुस्तकबिल नहीं होगा। ताकतवर पैसा चोरी करके बाहर चला जाए और बाहर से एनआरओ लेके आ जाए, फिर मुल्क लूटे फिर बाहर चला जाए। इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर हमने ये होने दिया। मैं इन चोरों के खिलाफ हकीकी आजादी की सियासत नहीं कर रहा, जिहाद कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ हो। आपके सामने एक पैगाम लेके आया हूँ और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सारे मेरे साथ चलेंगे। इस मुल्क में सिर्फ छोटा चोर जेल में जाएगा और बड़ा डाकू इवानों में बैठेगा और उसको मुल्क का इंसाफ का निजाम पकड़ नहीं सकेगा। मेरे जो पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी है, जो हमारे इस मुल्क के वकला हैं, इंशाल्लाह वो आप जिस तरह 1947 में पाकिस्तान मूवमेंट दो अजीम वकीलों ने लीड की थी, ये वक्त आ गया कि हकीकी आज़ादी के लिए मेरे सारे पाकिस्तान के वकला खड़े हों, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसाफ के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं इमरान खान, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजिशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।